तो भाई शुरू करने से पहले एक बात बोलनी है। वो किसी ने कहा है ना कि लाइफ इज आइदर ए डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग एट ऑल। दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट कि हम हिमाचल कैसे पहुंचे। हमेशा मेरी दादी कहती है बाइक पे इतनी दूर ट्रिप पे नहीं जाते, लेकिन मेरी दादी को कैसे समझाऊं कि वैसे तो बहता हुआ पानी हूं मैं, जब दोस्त साथ हो और लॉन्ग राइड की बात हो बहुत हरामी हूं मैं। हम लड़कों ने रात के 12 बजे के प्लान को 2 बजे एग्जीक्यूशन पे लगाया, क्योंकि ट्रिप से पहले कोई कांड ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ तो भाई रात के बज रहे हैं तो प्लान तो 12 बजे का था, बट अभी 2 बजे निकलेंगे। तो यहाँ पे एक अपडेट हो रहा है कि हमारे साथ एक बाइक और ऐड हो चुकी है, ड्यूक 250। तो वो साथ बंदा भी अपने साथ जाएंगे, मिलवाएंगे। अभी सो रहे हैं फिर वो, अभी उठेगा तो निकलेंगे। अपने बैग पे हम ऐड कर रहे हैं 3 बैग और 2 बंदे 100 cc की बाइक पे। तो फाइनली हम 2 बजे निकल लिए हिमाचल एडवेंचर के लिए अपने लड़कों के साथ। तो आओ चलो उनसे रूबरू करवाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले मिलिए इससे, ये है धनंजय। हम गलती से एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं एक्चुअली, तो अभी हम साथ जा रहे हैं। और अब इनसे, इसका नाम है अजय, ये आया है जयपुर से, हम एक ही ट्रैवल ग्रुप में एक्चुअली, तो इससे पहले हम कभी मिले नहीं है, अभी मेल मिलाप हुआ है। हाँ तो भाई सब रेडी? आप कभी रेडी? चलो तो बस थोड़ा सा बंजीरो बांध रहे हैं, निकलते हैं। जहाँ तक रोशन है कि तभी बताएंगे कि कभी एक्शन कैमरा काम करने वाला नहीं है और हम ऐसे ब्लू करने वाले नहीं है, तो मिलते हैं आपको। ये ऑफिशियली हमारा फर्स्ट टूरी का है। इससे पहले हम एक बार रुके थे थोड़ा बैग वैग टाइट करने के लिए, बैग ढीला हो गया था, तो ये ऑफिशियली फर्स्ट ब्रेक है। तो अब हम खाएंगे यहाँ पे, देखते क्या खाएंगे, चाय वाय तो पीना है। और अपना KTM वाला भाई तो पीछे रह गया लगते हैं काफी। और करनाल से हम आ चुके हैं, कितना 10 किलोमीटर आगे टोटल हो गया, 11 किलोमीटर टोटल हो गया हमारा, 117 किलोमीटर। और अभी तो काफी बचा है, ये तो थोड़ा वार्म अप हुआ हमारा इस मतलब। तो भाई खाना पीना हो गया, निकालते हैं बाइक को अपनी। ये बैग को अपन को पहनना पड़ेगा, 100 cc की बाइक पे 2 बंदे 3 बैग, रस्सी बांधी जा रही है। चलो ये पेट्रोल डलवाएगा, उनको जरूरत नहीं है पेट्रोल की, नहीं मंडी मरवाएंगे मंडी में, हमारा है भी काफ़ी है। आधी टंकी है फुल, 800 समथिंग का पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। अम्बाला 20 किलोमीटर है और यहाँ पे पेट्रोल भरवा रहा है भाई, युग में तो काफ़ी ज़्यादा कम एवरेज दे रही है। हमारी बाइक देखो मैंने 3-4 दिन पहले भरवाया था, अभी तक हाफ है और अभी ये शायद मेरे मंडी पहुंच जाएगी, फिर भी काफ़ी पेट्रोल लगेगा। तो आज भाई KTM चलाएंगे। हमने अम्बाला तक चलाने के लिए बोला था, टेस्टिंग अच्छी रही अपनी, काफ़ी अच्छी स्पीड है, बस थोड़ा सा कंट्रोलिंग में ठीक ऊपर नीचे हो जाती चीज़ें। हाँ तो भाई ये है हमारा ऑफिशियल सेकंड ब्रेक, इसके बीच में हम शायद 1-2 बार रुके थे वो भी कुछ काम के लिए ना, ये ऑफिशियल सेकंड ब्रेक है। अभी देखो मुंह देखो हालत, अरे मेरी भाई अभी खाना खाएंगे मस्त पराठे पराठे खा रहे हैं घर से बनाए। हाँ तो भाई अपना खाना पीने गया है, हो अपन ने खाया दही और चाय ले लिया, उसमें पराठे और अचार तो था हमारे पास, 40 रुपये में पूरा काम हो गया। पूरे दिन से हमें बस 60 रुपये खर्चे खाने के अंदर, आगे पेट्रोल के लग रहे हैं। सो फार सो गुड, देखते अभी अपन हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के जस्ट पास है, एंट्री करने वाले हैं, तो नज़ारे दिखाएंगे आपको पहाड़ों के। तो भाई अजय का प्लान यहाँ पे चेंज हो गया है, हम अभी खाना खा के निकले हैं और वो हमसे कह रहा है कि वो डायरेक्ट जाएगा मैकलोडगंज और हमको जाना है बीर,
तो कुछ दूरी पे साथ जाएंगे, उसके बाद हमारे रास्ते चेंज हो जाएंगे। खैर बाइक की एक सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको कोई टोल देना नहीं पड़ता, कहीं टोल पर रुकना नहीं पड़ता, डायरेक्ट जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब लास्ट ईयर कसूर आए थे तो इस पुल पर से गया था और इसके नीचे एक नदी बहती है और वहाँ पे हम काफ़ी देर बैठे थे, फ़ोटो वोटो खिंचवाई थी, काफ़ी अच्छा था। बट अब की बार रुकेंगे नहीं क्योंकि अपन लेट हो रखे हैं। तो भाई यहाँ तक ही था हमारा सफ़र और ये जा रहा है अभी, यहाँ से मेरठ में निकल जाएगा और हमारा बीर का रास्ता मंडी होते हुए जाएंगे हम। तो और मेरे को यहाँ से ना पहाड़ों की झलक दिख गई है और भाई क्या मज़े आ रहे हैं देख के, दिल खुश हो गया यार। हो भाई नज़ारे देखो यार, नज़ारे क्या बात है, पहाड़ दिखने लग गए देखो। और ये वही नदी है यार, पूरी याददाश्त आ गई, एक साल पहले जो आए थे पूरा याद आ गया। तो भाई फाइनली हिमाचल में एंट्री हो गई है हमारी धूल मिट्टी के साथ और अभी अपन बहुत ही ख़राब रास्ते पे चल रहे हैं, ये एक्चुअली हिमाचल में एंट्री करने का ही रास्ता है। पिछली बार तो एकदम सही था यार, मतलब टूटा फूटा तो था बट ये की बार तो उन्होंने ख़त्म कर दिया है, अभी शायद पूरा रोड बना रहे हैं, देखो कब तक ख़राब होता है यार ये। और बाइक पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, देखो यार दो बंदे बैठे हैं, तीन बैग है और इतना ख़राब रास्ता है और आगे ट्रक चल रहा है। ओ भाई बहुत खुश हो रही है यार, इतने दिनों बाद पहाड़ में, मतलब इतना लॉकडाउन लग गया उसके बाद अभी पहाड़ में आया हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, आई कांट एक्सप्लेन यार, मज़े आ गए। आप ट्रिप पे हो और आपका यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल हो और आपके पास नेटवर्क ना हो प्लस आपकी बैटरी भी ख़त्म होने वाली हो तो कैसा होगा? हाँ तो भाई अभी रुके थे यहाँ पे, प्रैक्टिकल दिया है मैंने, प्रैक्टिकल की वीडियो देखी होगी, प्रैक्टिकल दिया है यहाँ पे, उसके वाईफाई से मेरा तो चल नहीं रहा था और अब निकल रहे हैं, काफ़ी फोटोज वोटोज खेच लिए, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, फॉलो कर लो इसको, मेरे को आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये है हमारा इंस्टाग्राम हैंडल। चलते हैं भाई, 150 किलोमीटर बचा है तो हमें कम से कम 5 घंटे तो लग ही जाएंगे इसके अंदर, ये पहाड़ों का रास्ता बहुत ख़राब हो चुका है। ब्रेक ही नहीं लगे भाई, पूरे ब्रेक मार दिया से, यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे मैं तुझे बोल रहा हूँ पकड़ इसको भी, मदद जा चलो। भाई अभी रुके हैं कुछ 10 मिनट रुकेंगे यहाँ पे, थोड़ा शेव खाएंगे यार, भूख लगी हुई थोड़ी सी और उसके बाद चलेंगे हम, ठीक है जा रहे थे वापसी में जा रहे हैं, चलते हैं देख के यहाँ पे खाएंगे, थोड़ा बैग भी सेट करना है, चिकन में वाला तो भाई बहुत थक गया यार, सीरियसली बहुत थक गया हूँ मैं। अभी रुके हैं जहाँ पे हम पहले रुके थे कसोल के टाइम पे, ओके तो यहाँ पे अपना टाइम लैप्स चल रहा है गोप्रो में और एक्शन कैमरा में गोप्रो बोल रहा हूँ। ये नदी मेरे को बहुत प्यारी लग रही है सीरियसली और मेरे को मन कर रहा है कि इस नदी के पास जाऊँ बट यहाँ पे आसपास कोई जाने का रास्ता नहीं है, तो देखते हैं। और ये सनसेट हो रहा है और यहाँ पे ना पूरा नज़ारा देख ऐसा लग रहा है कि मैं कश्मीर में आ गया हूँ, बहुत ही सही सीनरी लग रहा है इस साइड तो यार। तो भाई काफ़ी देर हो गई चलते चलते, अब यहाँ पे रुके हैं गन्ने का जूस पीने के लिए, 2 गिलास पियेंगे एकदम मज़ा आएगा, उसके बाद निकलते हैं। भाई 2 गिलास कर दिए गन्ने का जूस, अबे तू क्यों बैठा है, उतर जा। तो भाई देखो ऊपर लेफ्ट की तरफ देखो मंडी आ गया है, बड़ा सही घर बनाते हैं यहाँ पे, देखो सीक्वेंस बने हुए हैं, एकदम मस्त लग रहे हैं।
और अभी जो ये रास्ता जा रहा है डायरेक्ट ये जाएगा बीर बिलिंग और वहीं से जाएगा मैकलोडगंज और धर्मशाला, उसी साइड से रास्ता जाता है और अपन को लग जाएंगे अभी तीन एक घंटे चार एक घंटे लग जाएंगे आराम से चलेंगे नज़ारे देखते देखते। हाँ तो भाई पहुँचने वाले हैं बीर, थोड़ा सा टाइम बचा है और ये देखो कपड़े गलत सब पूरा गंदा हो गया भाई नीचे से ऊपर तक का, और आई थिंक आधा घंटा लग जाएगा, कितना 55 किलोमीटर है ना, एक घंटा लग जाएगा 55 किलोमीटर है। और भाई सनसेट हुआ, अभी सनसेट के लिए बैठे थे यहाँ पे, क्या तगड़ा सनसेट हुआ, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सनसेट बोलेंगे, यहाँ बैठे आराम से रोड के बगल में ही ये बाइक अपनी मस्त मजे से भी बोलिए। अब जाएंगे अपने हॉस्टल में जाके देखते खाना वाना खाएंगे, जो बड़ा कमाल का फोटो मिल जाएगा, वीडियो मिलेगी। अपन ने जो आने से पहले लाइट लगवाई थी बाइक के अंदर एक्स्ट्रा, वो अब काम आ रही है, जरा देखिए। अरे भाई इसका हो गया, इससे अब नहीं हो रहा भाई, भाई भाई अपन हो चुके खत्म सीरियसली, बहुत बहुत भाई साहब बाइक सुबह से चला रहे हैं, हट चुकी है, हालत खराब हो चुकी है। तो भाई साहब इससे आगे कहानी का विवरण हम करने वाले, कैमरा को कहिए अभी थोड़ी देर के लिए बाय बाय। हम थक गए थे बहुत ही गंदी तरह, तो हमने बीच में रुक के रेस्ट लिया और क्या हुआ कि मैंने बाइक खड़ी करी और गियर नहीं लगाया और ढलान थी, सामान वामान बाइक पे था, जैसे मैंने पानी पिया वो बाइक जो थी वो स्टैंड से थोड़ा हट गई और आगे नहीं गई, वो ढलान थी और जो जिस साइड पड़ी उस साइड छुकर खाई नहीं थी, इस साइड खाई इस साइड बाइक पड़ी, लकीली बाइक बच गई, हमारा सामान बच गया, थोड़ा सा बाइक पे स्क्रैच वगैरह आए अपने, थोड़ा से स्क्रैच आ गए क्योंकि मैं बाइक को पकड़ने के लिए जैसे भागा मेरा पैर भी फिसल गया और जो मेरे पीछे वाला था वो भी मेरे पीछे भागा वो उसका भी पैर फिसल गया, दोनों गिर पड़े, मतलब बाइक भी गई और हम दोनों भी गिरे, मेरे थोड़े पैर वगैरह में लगी और उसके थोड़ा हाथ वगैरह में लगी। उसके बाद हम आसपास के हॉस्पिटल में गए, वहाँ से थोड़ा पट्टी वट्टी कराई और अपन निकल गए हॉस्टल के लिए और आधे घंटे बाद हम हॉस्टल में पहुंच गए। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि बाइक को ढलान पे गियर में खड़ी करके रखना चाहिए और थक गए हो तो रेस्ट कर लो, बाइक मत चलाओ क्योंकि दिमाग काम नहीं करता थकने के बाद। आज के व्लॉग में बस इतना ही रखते हैं, बाकी जो होगा वो कल बताएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि आएगा मे भी मैं सोच रहा हूँ संडे को ना डालूँ, जल्दी डाल देता हूँ अगले संडे को, एक व्लॉग को डाल दूंगा। और केदारनाथ का जो सीरीज है वो भी आ चुका है, अभी बस एडिट करना है, तो मेरे पास डाटा आ चुका है पूरा, तो उसमें भी टाइम लगेगा, तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। बाकी बाय बाय, सी यू, टाटा, जाइए जाइए जाइए, हम प्रबंध करते हैं उस व्लॉग का।